उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक के निरीक्षण का दौर ताबड़तोड़ जारी है। गुरुवार को ब्रिजेश पाठक लोहिया अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मरीजों का हाल जानने से लेकर अस्पताल में एक्सपायर दवाओं और बंद पड़े कंप्यूटर्स को लेकर नाराजगी जताई। यहां दवा स्टोर में बड़ी लापरवाही पकड़ में आई है। 2,40,668 तरह की दवाएं ना तो मरीज को दी गयी और न ही उन्हें विभाग को वापस किया गया और वो पड़े पड़े एक्सपायर हो गयी। डिप्टी सीएम ने कहा कि 16 को 322 से गुणा करो तो कितना होगा। 5,152 दवाइयां हम वापस नहीं किए। डिप्टी सीएम ने डॉक्टर से पूछा 5,152 दवाइयां कितने मूल्य की होंगी। डॉक्टर ने बताया कि ये दवाएं लगभग 50 लाख रुपए की होंगी। इसके बाद डिप्टी सीएम ने कहा कि ये कोई जरूरी नहीं सभी दवाएं एक ही मूल्य की होंगी, बल्कि कई दवाएं बहुत महंगी होंगी। अगर इनका ऑडिट कराया जाएगा तो ये दवाएं करोड़ों रुपए की होंगी। ये खामियां देखकर ब्रिजेश पाठक ने मौजूदा चिकित्सकों को जमकर फटकार लगाई। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और पेज कितने बेटा 322 ना। 16 को 322 से गुणा करो, 16 के 48 5,152 दवाइयां वापस नहीं किए। 5,152 दवाइयां कितने मूल्य की होंगी डॉक्टर आप बता दे रहे हैं। थोड़ा तो आप आइए हो एक पन्ने का आइए दिखाइए। अभी और पे जा रहे हैं। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा विभाग के विशेष सचिव को जांच करने के आदेश दिए हैं। यहाँ तो दवाइयों का स्टोर है, उस स्टोर में जा करके हमें जानकारी मांगी कि वो कौन सी दवाइयाँ हैं जो एक्सपायर्ड होने के बाद भी हमारे स्टोर में उपलब्ध हैं। करीब 2,40,668 दवाइयों की सूची मुझे मिली जो एक्सपायर्ड हो गई है और कंपनियों को ना वापस करके वो हमारे स्टोर में आज भी उपलब्ध है। इसके लिए एक जांच समिति का गठन किया गया है। सचिव चिकित्सा शिक्षा की दर्शी भी उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं और जो इसकी जांच करके रिपोर्ट देंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के पास स्वास्थ्य मंत्रालय भी है। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ब्रिजेश पाठक लगातार अस्पतालों का दौरा कर स्वास्थ्य सुविधाओं को पटरी पर लाने की कोशिश में है। इसके बावजूद हालात सुधरते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। समस्याएं जस की तस बरकरार हैं। अस्पताल में पहुंचकर सबसे पहले ब्रिजेश पाठक निदेशक सोनिया नित्यानंद के ऑफिस में पहुंचे और कई मुद्दों पर उनके साथ बातचीत की। साथ ही उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि अस्पताल में आने वाले मरीजों की सभी समस्याओं को प्राथमिकता से सुना जाए। कार्यालय से बाहर निकलने के बाद उन्होंने लोहिया अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया और ओपीडी विभाग में पहुंचे। वहां जमीन पर बैठी एक महिला से बातचीत करने लगे। महिला की आवाज़ न सुनाई देने पर वो जमीन पर बैठ गए और महिला की समस्या सुनने लगे। समस्या सुनने के बाद उन्होंने अधिकारियों को महिला की समस्या को हल करने के लिए निर्देशित किया। वहीं पास में बैठी एक और महिला जो कि गर्मी से बेहाल थी, मंत्री जी उनके पास पहुंचे और उनको पास में पड़े पंखे से हवा करने लगे। अस्पताल परिसर से निकलते वक्त ब्रिजेश पाठक ने परिसर में बनी कैंटीन का भी निरीक्षण किया और खाने की क्वालिटी जांची, साथ साथ खाना लेने आए लोगों को भी खाना परोसा। उधर रोहिया अस्पताल के बाद डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल भी पहुंचे। यहां उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी लैब की शुरुआत की। नई लैब शुरू होने के बाद से अब अस्पताल में सभी तरह की जांच सुविधा उपलब्ध रहेगी।